बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण उद्यान पाठ 13 दिन महीने डेज एंड मंथ्स। पहले हमने किया था ना सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, ये नोटबुक में किया था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। वीरवार को बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है। और ये अब हमने करने हैं महीनों के नाम। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। नंबर 1 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 31, और हिंदी में 31 दिन कहते हैं। नंबर 2 है फरवरी, फरवरी में कितने होते हैं, 28, और लीप के जब होता है तो 29 दिन होते हैं, तो कहते हैं 28 और 29। ये 4 साल के बाद आता है तो लीप के वर्ष होता है, तो ये तब ये 29 दिन होते हैं फरवरी में, ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है तब। अब नंबर 3 पे है मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि 31। नंबर 4 पे है अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, यानी कि 30 दिन। मई में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि 31। आगे है जून, जून में कितने दिन होते हैं, 30। आगे है नंबर 7 पे जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कि 31। नंबर 8 पे है अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन, यानी कि 31। सितंबर में 30 दिन, यानी कि 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन, यानी कि 31। नंबर 11 पे है नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और नंबर 12 पे क्या है, दिसंबर, 31 दिन। अब इसको नोटबुक पे भी आपने ऐसे लिखना है महीनों के नाम। नंबर 1 पे जनवरी, नंबर 2 पे फरवरी, नंबर 3 पे मार्च, नंबर 4 पे अप्रैल, नंबर 5 पे मई, नंबर 6 पे जून, नंबर 7 पे जुलाई, नंबर 8 पे अगस्त, नंबर 9 पे सितंबर, नंबर 10 पे अक्टूबर, नंबर 11 पे नवंबर और नंबर 12 पे दिसंबर। नमस्कार बच्चों।